हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल में। और मैं बोल रही हूँ और जैसे आज मेरे घर पर आई बॉम्ब घर में हेयर ऑयल में किस तरह करें। मुझे बहुत काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि मेरे लॉन्ग हेयर में हेयर ऑयल में किस तरह से करें, तो मैं खुद के हेयर में आज आप लोग को ऑयल करके दिखाऊँगी बहुत ही अच्छी तरह से। और ये जो बहुत ही सिंपल तरीका है, और देखिए मेरे बाल कैसे पूरे करके खोलूँगी। और उसके बाद मैंने कोकोनट ऑयल लिया है जो कि पहले सूखता है। आप जो भी यूज करते हो ऑयल वो आप यूज कर सकते हो, बस मैंने यूज करने का तरीका बताया कि मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था लॉन्ग हेयर में किस तरह से ऑयलिंग और मसाज किस तरह से करना है वो आप लोग वीडियो करें। तो सो मैं बहुत दिनों से कोशिश में लगी थी, नहीं हो पा रहा था, मैं बोली आज मुझे मौका मिला तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। और देख रहे हैं आप मेरे हेयर के लंबे हैं और हेयर लंबे हेयर में ऑयलिंग करने थोड़े से लोगों को डिफिकल्ट लगते, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही तरीके से बता रही हूँ। देखिए मैंने पहले सारे बालों को अपने आधे आधे पार्ट किए हैं और मैंने आगे कर लिए सारे बाल, और आप खुद से कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। या तो कोई भी है घर पे तो आप उनसे भी इस तरह से लगवा सकते हैं। और कभी भी हेयर में ऑयलिंग करते वक्त सिर्फ ऊपर में ही जड़ों में ही हेयर ऑयल ना डालें। मैं अपने हेयर में पूरी तरह से पूरे नीचे जितनी लेंथ है हमारी लंबाई उतनी सब पूरे हेयर में मैं ऑयलिंग करती हूँ, ताकि आपके ऊपर के जो बाल सॉफ्ट, अगर आप सिर्फ जड़ों में हेयर ऑयलिंग करेंगे तो आपके जो नीचे के हेयर होते हैं वो हार्ड ही रहेंगे और सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इसलिए पूरे हेयर में ही ऑयलिंग करें अच्छी तरह से, कंजूसी ना करें, क्योंकि जड़ों में तो ज़रूरत होती ही है ऑयलिंग की, पर आप पूरे लेंथ के में अगर डालेंगे, मुझे तो इसी तरह लगाना पसंद है। और ऑयलिंग ज़्यादा भी ना ऑयल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी डालना ठीक नहीं है हेयर में। तो अगर आप बाल को धोने जा रहे हो, वॉश करने जा रहे हो, तभी आप हेयर ऑयलिंग करें। आप चाहे तो एक दो घंटा के ऑयलिंग करने के बाद, एक दो घंटा के बाद भी धो सकते हो, या तो आप रात भर रखेंगे, पूरी रात रखेंगे तो और भी अच्छा है आपके हेयर में अच्छे से बाल। अब जब देखिए मैंने किस तरह से सारे बालों को अपने मसाज देते हुए किया है ऑयलिंग, और मैं किस तरह से देखिए अभी मसाज के मेरे तरीके देखिए, उंगलियों के सहारे में सब पूरे हेयर में मसाज दूंगी। और वैसे तो अगर आप किसी और से भी ऑयलिंग करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और पर मैं सेल्फ ऑयलिंग करने दिखा रही हूँ कि खुद के हेयर को किस तरह से आप कर सकते हो। और आपके लंबे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले लंबे हेयर में। और देखिए मैं आपको पूरी अभी पीछे के भी हेयर में देखिए मैं किस तरह से मसाज कर रही हूँ पूरे हेयर को, और उंगलियों के सहारे अच्छे से मसाज दे। फिर उसके बाद मसाज देते हुए प्यार से अपने बालों पर हाथ फेरे, और उसके बाद अच्छी तरह से मसाज देते हुए फिर से आप मसाज दें। और इस तरह से आप 3-4 बार ऐसी प्रक्रिया करें और हेयर मसाज करें, 10 से 8 मिनट तक का हेयर मसाज ले। और उसके बाद मैं आपको एक और अच्छी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपके हेयर के जो ये स्केल्प के जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वो किस तरह से आपके अच्छे रहेंगे। और देखिए मैं आपको ये मसाज जो है ये 3-4 बार करके जैसे कि मैंने किया है इसी तरह आप लोगों को करना है। और फिर अच्छी तरह से देखिए मैं पीछे भी दिखा रहा हूँ मेरे पूरे हेयर में देखिए किस तरह से मैंने ऑयल अप्लाई किया है, इसी तरह आप लोगों को भी करना है। और देखिए मैं करती जा रही हूँ, बस इसी तरह से आप लोग भी करें। इस प्रक्रिया को करीब आप 3 से 4 बार दोहराएं, और उसके बाद अपने उंगलियों के सहारे मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। देखिए अपने उंगलियों में हाथों को फंसाकर हल्के से खिंचाव दें हेयर में, ज़्यादा ज़ोर से ना खींचे, बस अपने उंगलियों को फंसाकर हल्का सा हेयर में थोड़े से बस थोड़ा सा खींचना है, हल्का उंगलियों में फंसाकर, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस इस ऐसा करने से आपके हेड में भी अच्छा महसूस होगा और आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। और देखिए मैं किस तरह से दोनों साइड अपनी उंगलियों को फंसा कर अपने हेयर को खींच रही हूँ, बस हल्के हाथों से करें। ऐसा करने से आपके हेयर जो है अच्छे से लॉन्ग होंगे और हेयर ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। और मेरी इन वीडियो से बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदा होगा, तो इसके लिए आप लोग
अगर कैसा लगेगा मेरा यह वीडियो, और मैंने बहुत ही सिंपल और सॉबर तरीके से बताया, और नीचे लेंथ में थोड़े से तेल लगाकर ज़्यादा उसे अच्छी तरह से मसाज दे, ताकि जो आपके दो मुँह हेयर रहते हैं वो निकल जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते, तो इन सब चीज़ों से बचाएगा। और ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है हेयर में, अगर आप अपने बालों की लाइफ अच्छी चाहते हो तो तेल डालना बहुत ही ज़रूरी होते हैं बाल में। सो आप इस तरह से कर सकते हो अच्छी तरह से। और देखिए मेरे आज थोड़ी सी फ्री हुई तो बना पाई, वरना नहीं बना पाते, तो मैं सोची कि आज बना ही डालू। मुझे काफ़ी दिनों से इस चीज़ की हेयर ऑयलिंग की रिक्वेस्ट आ रही है। और एक बात ज़रूरी है कि अगर आप अपने हेयर में ऑयल डालते हो तो अपने फेस को अच्छी तरह से धो लें, फेस वॉश करें अच्छी तरह से चेहरे से अपने, क्योंकि हेयर लगाते वक्त ऑयलिंग करते वक्त फेस पे ऑयल आ ही जाता है, क्योंकि आप कितना भी बचाएंगे तो थोड़े बहुत आ ही जाते हैं, क्योंकि मैंने आगे करके अपने सारे हेयर को ऑयलिंग किया है। और अगर आप कहीं से लगवाएं तो भी हेयर ऑयलिंग के बाद आपको फेस धोना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए अभी मैं हेयर ऑयलिंग के बाद किस तरह से फेस धोकर अपने सारे हेयर को किस तरह से अच्छे से कवर करके, और देखने से ही पता चल रहा है देखिए मैंने किस तरह से अच्छी तरह से अप्लाई किया है अपनी हेयर को ऑयल। और अभी देखिए मैं फेस धोकर, और इस तरह से आप अपने बालों को कवर कर ले, क्योंकि आपके तेल जो है इधर उधर ना फैले फेस पे। और देखिए मैंने किस तरह से बन बनाया, आप लोग भी इसी तरह से बनाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो?